Welcome back to my channel. So my name is Sapna and I make videos related to fashion and haul. And today video is all about Janpath haul. If in case you don't follow me on Instagram, this is my Instagram page. Go check out my page. I post lot of fashion related content on my Instagram. If in case you like it, go give it a follow. इस video को मैंने दो part में divide किया है. पहला वाला जो part है उसमें मैं आपको सारे clothing items दिखाऊंगी और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी जितनी भी jewelry purchases मैंने करी हैं. So विदाउट एनी फर्दर यू स्टार्ट करते हैं. पहली मुझे लगता है कि इस टाइम पे ना आई एम ऑब्सेस्ड विद ड्रेसेस और मुझे ड्रेसेस पहनना बहुत ज़्यादा पसंद है. तो मैंने ये लिए एक टाई डाई टाइप में ड्रेस है जिसमें ब्लू पिंक ग्रीन और वाइट के काफ़ी सारे शेड हैं. इसका फैब्रिक भी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है. आई थिंक इफ यू आर गोइंग फॉर एनी बीच वेकेशन या फिर आप बीची वेकेशन या फिर मालदीव या फिर बाली, जो मैं नहीं जा पा रही हूँ आप जा पाओगे, तो आप हाँ इस टाइप के ड्रेसेस पहन सकते हो. और नाउ सरोजनी का कंपैरिजन में जनपद का प्राइस थोड़ा सा ज्यादा होता है. सो आई बॉट दिस ड्रेस फॉर 400 रुपीज, बट आई थिंक द क्वालिटी ऑफ द ड्रेस इज रियली रियली नाइस. एंड इसका फिट भी आप देख सकते हो कि कितना ही ज्यादा खूबसूरत लग रहा है यहाँ पे वीडियो में. अब ये जो सारे ड्रेसेस है ना, मैंने ये एक ही शॉप से ली थी बिकॉज बेसिकली आई वॉज स्टाइलिंग अ स्नीकर हेड सुहाना. तो उस टाइम पे मैंने सोचा थोड़ा बहुत शॉप कर लेती हूँ और जनपद आई तो ऑफकोर्स बनता है. उसके बाद मैंने लिया ये जंप सूट. नाउ गाइज, ये जंप सूट one of the best jumpsuit. I am not a girly who wears jumpsuits a lot because of my body shape. So this is something like I would love. Just iski detail dekho yahan pe. Can you see all the mirror detail and print and iski neckline kitni low hai. Aur uske baad yahan pe aap dekh sakte ho is tarike se thread work ke fringes hain. Let me show you this and it looks so so beautiful. And piche bhi na iska neckline same hai. Mujhe sabse achhi lagegi ye jo नेक पे जो ये मिरर डिटेल हो रखी है ना, दिस वॉज ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल. एंड ये काफी लंबा भी है और यहाँ पे भी अगर आप देखो तो इस टाइप से थोड़ा फ्लैरी है, विच मेक्स इट लुक सो सो स्टनिंग. एंड आई लव्ड हाउ दिस लुक्स. एंड काफी ज्यादा स्मार्ट लग रहा था विद बेल्ट, यू नो, जो मैं उदयपुर से लेकर आई थी. एंड स्टाइलिंग के साथ भी बहुत कूल लग रहा था और बहुत ही ज्यादा डिफरेंट वाइब दे रहा था. एंड आई थिंक हमने ना ये तीन चार चीजें ली थी, ये ड्रेसेस और कुछ करके, तो ओवरऑल हमने कुछ 1500 पे किया था. आई थिंक दिस वॉज ऑल्सो फॉर समथिंग 300 या 350. एंड जितने भी शॉप नंबर्स हैं वो यहाँ पे मेंशन होंगे, सो यू कैन चेक इट आउट. उसके बाद स्टार ऑफ द शो हैज टू बी दिस स्कर्ट. अब नाउ मैंने ना बाद में नोटिस किया कि ये क्या बोलते हैं, अजियो के इंडी कलेक्शन है. नाउ इफ यू आर अ ओल्ड फॉलोअर ऑफ माइंड, यू नो कि अजियो का इंडी कलेक्शन इज वन ऑफ माई फेवरेट कलेक्शन. मेरे पास एक स्कर्ट है जो कि आज भी मैं पहनती हूँ, तो बहुत लोग पूछते हैं आपने कहाँ से ली थी, तो दैट इज वन ऑफ द बेस्ट कलेक्शन. अब इतना मिलता नहीं है वो. दिस इज दिस स्कर्ट एंड आप देख सकते हो कि इस पर यहाँ पे पूरा काम हो रहा है. You can wear it as a tube and कितने तरीके से इसको style कर सकते हो. और ये पूरा इस तरीके से ना इकत प्रिंट में ही है. ओ, बाहर बारिश होने लग गई है. And this is so so pretty and इतना फ्लेयर है इसमें. And मैंने सुहाना को बोल दिया था, सुहाना I'm gonna style you for this. सुहाना ने कुछ और भी लिया था बट मैंने बोला you are going to wear this for मतलब इस लुक के साथ. ये हमने एज अ ट्यूब पहना था एंड देन शी वॉज वेयरिंग अ रिप जीन्स एंड शूज एंड चोकर एंड मैसी हेयर एंड स्मोकी आई. उसके साथ इतना कूल लग रहा था, बिल्कुल वो दीपिका पादुकोण वाली वाइब आ रही थी. यू कैन सी हर कितनी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी वो यहाँ पे. सो दिस वी गॉट. तो ये तीनों ड्रेसेस जो थी, ये तीनों ड्रेसेस मतलब जंप सूट ड्रेस एंड दिस स्कर्ट वी वॉट फ्रॉम द सेम शॉप एंड वी पेड अराउंड 1500. इसमें शायद सुहाना का भी एक था, तो मेरे को एक्चुअली नहीं पता ये सेपरेट सेपरेट कितने के हमने दिए, बट हमने ओवरऑल उनसे बार्गेन करके कुछ इस तरीके से लिया था. नाउ अगर आप इस बार जनपद जाओगे, पहली बात तो जनपद में ना काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडी पीसेज भी मिल जाते हैं, प्लस आपको ज़ारा के ड्यूब्स जनपद में बहुत ज़्यादा मिलेंगे. सरोजनी में शायद एक दो शॉप हैं, बट जनपद में काफ़ी सारे शॉप्स हैं और स्टार्टिंग के ही शॉप्स हैं, आपको हर शॉप पर मिलेगा. नाउ इस तरीके का कॉर्सेट, आई बॉट दिस कॉर्सेट एंड इसके लिए मैंने आई थिंक 350 रुपीज़ पे किए थे, 350 या 400 रुपीज़ शायद पे कर दिए थे, एग्जैक्टली मुझे याद भी नहीं है. बट ये जो फैब्रिक है मैंने इतना ज़्यादा ट्रेंडी देखा है एंड मैंने खुद किसी मतलब आई थिंक स्टोर पे पता किया था एंड दे वर सेलिंग इट फॉर 2200 एंड सुहाना ने मुझे बोला कि उसने भी कुछ ऐसा खरीदा है फॉर 2200 रुपीज़. कैन यू बी दैट? एंड आई गॉट इट फॉर लाइक 300 बक्स एंड
ये वाइट स्कर्ट के साथ कितना ज्यादा खूबसूरत लग रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हो क्लिपिंग में। मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा ही प्रीटी लग रहा था, बहुत अच्छे से पूरा ना लुक भी इसका बहुत प्यारा आ रहा था। आई लव हाउ यहाँ पे जो डिटेल दे रखी है ऐसे ना कपड़े की, जो थोड़ा फैब्रिक है कॉटन फैब्रिक है, एंड देन यहाँ पे थोड़ी लेस डिटेल दे रखी है, लेस नहीं बोलूंगी थ्रेड डिटेल। एंड पीछे भी बेस्ट पार्ट क्या है कि इफ यू कैन सी दिस इज स्ट्रेचेबल फैब्रिक, सो Either you are from any bust size, easily आपको वहाँ पे अपने sizes भी मिल जाएंगे। So this one was a steal deal for me. Now let's come to the jewelry part. So पहली जो चूज है, मैं तो पास आ जाती हूँ, ठीक है। So पहली जो एक्सेसरी है वो है ये झुमके जो मैंने लिए थे, if you can see. तो अब एक्सेसरी दिखाने के लिए मैं थोड़ा पास आ गई हूँ। दीज आर द झुमकास विच आई बॉट, एंड ये मैंने जब वहाँ से निकल रहे थे किसी रैंडम शॉप से लिया था, शॉप मेरे को शॉप नंबर वो याद नहीं है, बट रैंडम शॉप से लिया था। एंड आई बॉट दिस फॉर 350 रुपीज, सो आई बॉट दिस ऑल्सो। ये ऐसे पूरे लंबे से, बिल्कुल लंबे से झुमके हैं, जो कि मुझे लगता है इफ यू वेयरिंग समथिंग वेरी प्लेन इट्स गोना लुक सो प्रिटी। तो मुझे ये बहुत अच्छे लगे थे। इसका मैंने दूसरा पेयर पता नहीं कहाँ रख दिया, हैव टू सर्च फॉर इट। एंड उसके बाद जो मैंने लिए थे वो मैंने कड़े लिए थे स्टोन वाले, ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। एंड आई थिंक आई पेड 150 फॉर ईच, 150 ईच पे किया था उसी सेम शॉप से जहाँ से मैंने ये झुमके लिए थे। ये आप जनपद से जैसे ही गेट नंबर 2 से जनपद मेट्रो स्टेशन से निकलोगे, यहाँ पे काफ़ी सारी शॉप्स हैं, तो आपको दिख जाएगा कि किसी किसी ना किसी शॉप पे ये आपको मिल ही जाएंगे। एंड ये पूरे ना फैब्रिकेटेड है, मतलब यहाँ पे अलग अलग फैब्रिक टाइप में कुछ लगा हुआ है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा यूनिक लग रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग लग रहे हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट जो ज्वेलरी वाला है ना, वो मैंने तिब्बतन मार्केट से बहुत सारी ज्वेलरी ली है। सो नाउ आई वांट टू शो यू दैट, बिकॉज वो तो बिल्कुल अलग टाइप की ज्वेलरी है। इफ़ यू नो दैट आई एम ऑब्सेस्ड विद टील कलर एक्सेसरीज, तो मैं आपको वो दिखाती हूँ। नाउ मेट्रो स्टेशन से गेट नंबर 2 से निकलते ही अगर आप राइट साइड पर जाते हैं तो वहां पे पूरी तिब्बतन मार्केट है। एंड वहां से पहली जो शॉप है वहां से मैंने ये लिए, उनके पास काफी थोड़े ना टूटे टूटी सी एक्सेसरीज पड़ी होती है, मैं आपको दिखाती हूँ। इफ यू कैन नोटिस, तो मैंने ये दोनों स्टोन्स टाइप में नेक पीसेस लिए थे जो मुझे काफी ज्यादा विंटेज लगे थे। एंड दिस वन आई बॉट फ्रॉम तिब्बतन मार्केट शॉप नंबर, वहां पे जो पहली शॉप है ना, पहली घुसते ही थोड़े वहाँ पे टूटी फूटी एक्सेसरीज भी रहती है, वहाँ पे आपको 50 रुपीज़ की भी एक्सेसरीज मिल जाती हैं। तो वहाँ से मैंने लिया था, ये आपको पड़ेगा शायद 100-120 के बीच में। बट लुक एट इट, थोड़ा डिटेल से देखो यार, कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है ये, मतलब इट इज़ सो सो प्रिटी एंड सो यूनिक। उसके बाद जो मैं आपको नेक पीस दिखाती हूँ इसी शॉप से जो मैंने और लिया था, उसके बाद उसी शॉप से ना मैंने कुछ रिंग्स भी ली थी, जो कि ये आई थिंक ये वहाँ पे 100 की थी या कुछ इतने की प्राइस की थी। बट अगर आप नोटिस करोगे ये बीडेड है, और ये ना मुझे एक्चुअली लेडी डैंगबरी की याद दिलाते हैं फ्रॉम ब्रिजटन। सो कुछ वही सोच के मैंने लिया था, बिकॉज वी वर प्लानिंग टू डू सम कॉन्सेप्ट ऑन इट। एंड ये बहुत ज्यादा सुंदर लग रही है। इसके साथ मैंने ये लिए थे, आई थिंक दीज वर फॉर 50 रुपीज आई गैस, ये ग्रीन वाली इयर रिंग। सो ये इयर रिंग्स मैं और पास आके दिखाती हूँ, देखो ये कितने ज्यादा सुंदर है। सो आई बॉट दीज फॉर 50 रुपीज, एंड देन कुछ लंबे वाले भी लिए थे मैंने। वेट, आई थिंक ये स्टोन वाले थे, ये भी कुछ ऐसे ही पड़े थे। लेट मी शो यू। सो इफ यू आर अ गर्ल हु लाइक, अगर आपको कुछ अफोर्डेबल चाहिए तो यू कैन विजिट दिस तिब्बतन मार्केट, और उसमें फर्स्ट शॉप विजिट कर सकते हो। 100-200 तक में आपको बहुत अच्छी अच्छी ज्वेलरी मिल जाएंगी इफ यू आर ऑन अ बजट। अब जो दूसरा मैं आपको दिखाने वाली हूँ वो शॉप नंबर 2 से है। जस्ट जैसे ही आप तिब्बतन मार्केट में जाओगे, पहली शॉप से जो दूसरी शॉप है वहाँ से मैंने ये सारी रिंग ली है। कोई 150 की है, कोई 200 की है, ये सारी रिंग उसी की रेंज में है। सो आप देख सकते हो कि आई बॉट दीज रिंग्स, लाइक लुक एट देम। If you notice, ये कितनी ज्यादा खूबसूरत है, like this has to be one of my favorite stacks. And oh my god, just look at these stacks. And है ना ये proper bohemian lovers के लिए। These rings are very very nice. And ये मुझे each 150 या 200 के बीच में पड़ी थी तिब्बतन मार्केट से, जनपद की जो तिब्बतन मार्केट है उसी की शॉप नंबर 2 से। नाउ आई ऑल्सो बॉट 2 ब्रेसलेट्स फ्रॉम देम, एक तो ये वाला जो कि लॉकिंग सिस्टम में है, और एक ये, तो ये कुछ पड़ा था आई थिंक 700 या 600 तक में। सो ये वाले जो टील वाले दोनों हैं, ये 700 से 600 के बीच में पड़े थे मुझे दोनों। ओह माय गॉड, लुक्स सो सो क्रेजी, आई एम टेलिंग यू, कैमरा कुछ जस्टिफाई नहीं कर पा रहा जितना क्रेजी ये रियल में देखने में लग रहा है। सो
Look at this, guys. Now you know. The stack looks so, so good. So I got this, and then there were two more pieces which I got. So I want to show you. There is one is this choker, jo maine liya tha, I think 200 या 250 रुपीस का ही है. इसका क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छा है. लाइक द बैंड एंड द एवरीथिंग, द क्वालिटी आई थिंक कहीं ना कहीं जो मैंने पे किया है वो क्वालिटी के लिए पे किया है. एंड शो स्टॉपर जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, ये सिर्फ एक ही पीस था और कोई पीस भी अवेलेबल नहीं था इसमें. सो आई थिंक दिस इज़ वेरी इंस्पायर्ड फ्रॉम तिब्बतन कल्चर बट लुक सो सो बोहो. So this is the one I got. Now this hasli is something which I haven't seen and I was like, no, I have to get this anyhow because this is so, so good. And let me tell you, iske peeche na, it can be open. So if you see, aap kuch rakhna chaho, secret, you know. So you can keep a secret photo of your boyfriend if you're wearing. Or you can keep anything small which you think ki thoda skip ho sakta hai ya toot sakta hai. To aap usme rakh sakte ho. Kaafi zyada spacious hai. So I got this one from there. And I think this looks so, so stunning. Matlab, aap dekho. Just, it can elevate any of the look. So, so, so pretty. And that's all for today's video, guys. If in case you like it, don't forget to like, share and subscribe to my channel. Hit the bell icon so whenever I'm uploading any of the video, you guys will get a notification. Also, follow me on Instagram by SapnaRaiCH. And I'll see you next time with some another video. Till then, sit back, relax and I love you guys. Bye-bye.